हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं जो पहले देख लीजिए। ये चंदन पेस्ट है। हाँ, ये चंदन का पेस्ट है, तो इसको हम गोपाल जी के स्नान करवाने के लिए रेगुलर यूज़ कर सकती है। देखिए, हमने अपने गोपाल जी को ऐसे इस अच्छे से इसका मालिश कर रहे हैं, और उसके बाद जब इसको नहलाएंगे तो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा उसका। तो ये आप हर रोज़ गोपाल जी के नहाने में या किसी भी भगवान जी के जो मतलब अष्ट धातु को हो या चांदी का हो, किसी भी मेटल का हो, तो उसके नहाने के लिए हर रोज़ इस्तेमाल कर सकती है। देखिए, हम एकदम सामने से दिखा रहे हैं, हम इससे अच्छे से थोड़ा मालिश कर दिए। उसके बाद जब ये हम साफ़ करेंगे, पानी से इसको नहला देंगे, तो देखिएगा ये कितना साफ़ सुथरा हो जाएगा। पूछते हैं कि गोपाल जी को साफ रखने के लिए क्या यूज़ किया जाए, तो ये जो है एकदम हर्बल है, क्योंकि इसमें चंदन, हल्दी, केसर, इन सब का पेस्ट है। इससे कोई भी इसमें केमिकल चीज़ यूज़ नहीं किया गया है। तो ये अगर आप रेगुलर स्नान में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। देख लीजिए, ये देखिए, अब हम इसको नहलाएंगे तो देखिएगा कितना साफ हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सर्दी आ गया है, हम लोगों को भी ठंडा लगता है पानी में, तो इसीलिए हमने जो है ना गोपाल जी के पानी को थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं, ताकि उसको भी ठंडे पानी से सर्दी लग जाएगा। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, पानी को थोड़ा हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, जैसे हम अपने स्नान के लिए करते हैं वैसा ही कीजिएगा। अब आप देख लीजिए कि ये कितना साफ सुथरा हो रहा है। थोड़ा सा अच्छे से घिस दीजिएगा, ताकि का जो हल्दी है अच्छे से ये हल्दी साफ कर लीजिएगा, जो ये चंदन का जो पेस्ट है, मतलब जो ये पेस्ट है अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिएगा कितना साफ लगने वाला है आपका गोपाल जी। अब ये देखिए, इसको हमने नहला के एकदम साफ कर दिया है, ये कितना चमक रहा है, तो लग रहा है ना बहुत प्यारा, बहुत शाइनी। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि अपना आपका लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण या जो भी भगवान जी हो वो हर रोज़ इतना साफ सुथरा रखे, तो आप भी हर रोज़ यूज़ कीजिएगा ये चंदन का पेस्ट। देखिए, ये चंदन हल्दी का पेस्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल रहता है हर टाइम। ये जो है ये 30 ग्राम का पेस्ट आता है, और इसका प्राइस होता है 45 रुपीज़। ये 30 ग्राम का प्राइस मतलब कंटेनर में आता है, इसका प्राइस होता है 45 रुपीज़। तो ये आप ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। तो फिर इसको हम थोड़ा, अभी तो इसका नहलाना हो गया है, अब इसको कपड़ा पहन के आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना सुंदर लगने वाला है। देखिए।